शालोम अलैकुम मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज हम जो देखने जाने वाले हैं वो है, हम दो आयतें देखेंगे। एक है पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय आयत 7। इसमें कुछ इस तरह से कहता है कि अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो मूल्यवान है। प्रभु यीशु के लिए ये कहा गया है। और दूसरी एक आयत हम देखने जा रहे हैं वो है यशाया उसका 43 और चौथी आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु का है। जो पत्रस हमने पढ़ा उसमें विश्वासियों के लिए कहा गया है कि विश्वासियों के मन प्रभु यीशु जो है वो बहुत अनमोल है। जब हम प्रभु को अपना लेते हैं और जब धीरे 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 हम उसका भजन करते हैं, उससे प्यार करते हैं, हम और उसके करीब आते हैं। जितना हम प्यार करते हैं उतना हम उसका भजन करते हैं, जितना हम उसका भजन करते हैं उतना ही हम उसको प्यार करते जाते हैं। और कुछ ही दिनों में हमारे जीने का बेस जो होता है वो प्रभु यीशु बन जाता है। जैसे उसी चैप्टर में आगे कहा गया है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकाल के ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसी तरह से वो हमारी लाइफ का बेस बन जाता है। जब हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब हमारे लिए प्रभु ही सब कुछ होता है और प्रभु का जीवन हम में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे प्रभु था वैसे ही हम होते जाते हैं। सारी चीज़ों में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। सभी चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले प्रभु को हम सोचते हैं और इस तरह से वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरी आयत जो हमने देखी है यशाया की पुस्तकी उसकी 43 और चौथी आयत, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, ये प्रभु हमें कहता है। क्योंकि आज हम प्रभु को प्रेम करते हैं क्योंकि सबसे पहले उसने हमें प्रेम किया। यहाँ पे यशाया की पुस्तक में प्रभु हमें कहते हैं कि तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हो और मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। प्रभु ने सबसे पहले हमें प्रेम किया इसलिए आज हम उसको प्रेम कर पाते हैं। जब उसने हमें प्रेम किया तब तो हम पाप में थे, जब उसने हमें प्रेम किया तब हम मूर्ख थे, जब उसने हमें प्रेम किया तब हम दलदल में फंसे हुए थे, जब उसने हमें प्रेम किया तब हम उसकी विरोधी थे, जब उसने हमें प्रेम किया तब हम शैतान के साथी थे। पर उस टाइम पे उसने हमें प्रेम किया और अपने प्रेम में उसने हमें बांध लिया और आज वो हमको एक नया जीवन दे देता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। वो हमें प्रतिष्ठित करता है। जब हमें एक नया बॉडी मिलेगा तब हमें वो अपने नए वस्त्र देंगे, अपने राज्य में लेंगे और जहाँ वो है वहाँ पे हम होंगे, हम उसके साथ होंगे। जिस घर में वो रहता है उस घर में वो हमें रखेगा, वो हमें अधिकारी ठहराएगा, वो हमें राजा बनाएगा और जिस देह को मारा नहीं जा सकता उस तरह का वो देह देगा हमें। हम बड़ी ही, अगर हमें प्रभु के साथ रहना है क्योंकि हम उसी की बाट देखते हैं अभी, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ है। तो आइए अपने आप को तैयार करें, जिस तरह से प्रभु हमें प्रेम करते हैं उसी तरह से प्रभु से हम प्रेम करें, उसको हम पूरा जीवन में अपना लें। हमारे नींव का
मुख्य पत्थर उसको बना ले, उसी पे हम अपना जीवन बांधे और उसी पे हम खड़े हो, जिससे कोई हमें डिगा ना पाए, जिससे कोई हमें गिरा ना पाए, और हम प्रभु यीशु को छू लें। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें प्रेम किया और आज आपने हमें अपने बच्चों की तरह रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपने राज्य में लेने वाले हो। हमें वो ताकत दे प्रभु कि हम आपके प्रेम से हमेशा जुड़े रहे और हमेशा ही हम आपकी बाट जोते रहे, क्योंकि एक दिन जब आप हमें ले जाओगे तब हमें अनंत काल तक आपका भजन करने का प्रभु जी अवसर दोगे, और उसी अवसर के लिए प्रभु जी हम जिंदा रहे ऐसे होने दो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।